नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं राज्यसभा टीवी, मैं हूं आपके साथ अमृता। नजर सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन राज्यसभा में आज शुरू होगी संविधान को लेकर प्रतिबद्धता पर चर्चा। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे चर्चा की शुरुआत। जीएसटी पर प्रधानमंत्री सभी दलों से बातचीत को तैयार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सरकार को कोई दिक्कत नहीं, आम राय बनाने की कोशिश। संविधान के आदर्शों का नहीं हो रहा पालन। संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान। राजनाथ सिंह ने उठाए सेक्युलर शब्द पर सवाल। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता का इस्तीफा। राज्य संगठन में जल्द फेरबदल। अध्यक्ष पद के लिए अमरिंदर सिंह और अंबिका सोनी सबसे आगे। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में नहीं बिकेगा शराब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूर्ण शराबबंदी का ऐलान। विपक्ष ने किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी बिल पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी दलों से बातचीत को तैयार हैं। समाचार चैनल टाइम्स नाउ से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्तर पर सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं। जेटली ने कहा कि जीएसटी पर उनकी कांग्रेस के सभी नेताओं से बात हुई है। उन्होंने कहा कि वो अब भी खुले दिमाग से कांग्रेस समेत सभी दलों से वार्ता को तैयार हैं। जीएसटी बिल राज्यसभा में लंबित है। कांग्रेस की मांग है कि जीएसटी की दर 18% से अधिक नहीं होनी चाहिए और बिल में इसका जिक्र होना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल राज्यों को 1% अतिरिक्त कर लगाने की छूट देने का भी विरोध कर रहे हैं। I am trying for a consensus and therefore let me withhold some facts back. But at the same time, let me clarify, we have absolutely no hesitation even at the level of the Prime Minister. We've never had it in the past, we don't have it. He's willing to speak to everyone. संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्यसभा में आज संविधान को लेकर प्रतिबद्धता पर चर्चा की शुरुआत होगी। ये चर्चा डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती समारोह के भाग के रूप में रखी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संविधान को लेकर प्रतिबद्धता पर चर्चा की शुरुआत की, जो आज भी जारी रहेगी। पहले दिन लोकसभा में संविधान को लेकर प्रतिबद्धता पर चर्चा के दौरान सांसदों ने अपने विचार रखे, लेकिन राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत नहीं हो पाई। नागालैंड से राज्यसभा सांसद खेकिहो झिमोमी के निधन की वजह से श्रद्धांजलि देने के बाद कल राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कल संविधान में सेक्युलर शब्द के इस्तेमाल पर तीखी बहस हुई। सोनिया गांधी ने जहां संविधान पर खतरे की ओर संकेत किया, तो वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सेक्युलर शब्द पर ही सवाल खड़े किए। माननीय राजनाथ सिंह जी, सरकार की तरफ से संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर बोलते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 42वें संशोधन को गैर जरूरी बताया। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ने को प्रस्तावना की मूल भावना के खिलाफ करार दिया। राजनाथ सिंह ने धर्मनिरपेक्ष शब्द के राजनीतिक दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि प्रियम्बुल, जो भारत के संविधान की आत्मा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक ऐसी उनकी सोच थी। और उस सोच के बावजूद 42वें संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया। मैं यह मानता हूं कि सोशलिस्ट और सेकुलर यह शब्द यदि डालना यदि आवश्यक रहा होता, तो निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के प्रियम्बुल में उसी समय सोशलिस्ट और सेकुलर इन शब्दों का जो है प्रयोग किया होगा। सेकुलर शब्द का जहां तक है, यह आज मैं कह सकता हूं कि आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है, तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग। विपक्ष की तरफ से बहस में सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का स्वाधीनता संग्राम से अटूट नाता है और इस तरह से संविधान का इतिहास कांग्रेस से जुड़ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला हुआ है। स्वयं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इशारा किया था कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए
संवैधानिक तौर तरीकों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। आज एक खुशी का दिन है, लेकिन दुख का भी है। दुख इसीलिए है कि संविधान के जिन आदर्शों और सिद्धांतों ने हमें दशकों से प्रेरित किया है, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर हुई बहस मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुई। इस बहस में सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई, लेकिन बहस में असहनशीलता का मुद्दा ही छाया रहा। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में संविधान के प्रति प्रतिबद्धताओं पर कल चर्चा से कई दलों के सांसदों ने भाग लिया। सबने एकजुट होकर संविधान की रक्षा पर जोर दिया। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान AIADMK के सांसद पी वेणुगोपाल ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया। वहीं TMC ने एकजुट होकर संविधान की रक्षा की बात कही। डॉक्टर अम्बेडकर इज डिजर्व टू बी कॉल्ड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी मस्ट बी यूनाइटेड एंड ट्राई दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम बी प्रोटेक्टेड। It should not be allowed to be killed. The contribution of Dr. Ambedkar in Indian democracy is not to be forgotten. We must not give undue importance to certain things which are not mandatory but mere suggested principles in our constitution. Requesting all the honorable members of this august house to revisit our commitment to constitution to ensure a bright and prosperous life to all the people of a nation. With this, I conclude. Thank you, madam. BJD सांसद तथागत सतपति ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। TDP सांसद राम मोहन नायडू, शिवसेना सांसद आनंद राव अड़सुल और TRS सांसद AP जितेंद्र रेड्डी ने भी अपने विचार रखे। We have a very long way to give justice to every single individual Indian. We are far, far away from giving a fair deal to our citizens. It will take lot of energy, lot of sincerity, lot of honesty and lot of love for this country to reach out to every single individual. It is not yet time for us to be smug and claim that we are a world power. 60 साल में खरगे जी 55 साल से ज्यादा आपकी सरकारें रही। जो देश में सागर संपत्ति है, जो देश में जंगल संपत्ति है, जो देश में खनिज संपत्ति है, जो देश में मनुष्य संपत्ति है, तो भी हमारा देश विकसित क्यों नहीं हुआ? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? द विजन विच डॉक्टर अंबेडकर जी हैज डन द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू कीप इट अहेड एंड इट लाइज in the leaders today, it lies in all the elected representatives today along with the people of this country that the spirit of this constitution is upheld and the respect that we get not only from the within the country but from the countries across the world that we are one of the best and the biggest democracies in the world and we have every duty and responsibility to take this good step forward. CPM और लोक जनशक्ति पार्टी ने भी बाबा साहेब अंबेडकर के सपने को पूरा करने पर जोर दिया। बाबा साहेब अंबेडकर के जीवनी के पढ़ने के बाद और खास करके वो व्यक्ति जो डाउन ट्रोडन परिवार में पैदा लिया है, आज तो कुछ सुधार हो गए हैं, कुछ विकास हो गए हैं, लेकिन उस समय में जो हालत थी वो हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। ऑफ कोर्स वी शुड नॉट फॉरगेट द स्पिरिट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली द ब्रेन और द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्यू पीपल ऑल्सो दैट हैज द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। वो उस आइडियोलॉजी को कभी आप नहीं भूल सकते, लेकिन उस आइडियोलॉजी को मजबूत करने के लिए ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत संविधान इस देश में बना।
दिन भर चली चर्चा में कई और दलों के सांसदों ने भी अपनी बात रखी। संविधान पर यह चर्चा शुक्रवार को भी जारी रहेगी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले कल शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने वाद विवाद संवाद को संसद की आत्मा करार दिया और सहिष्णुता समेत हर मुद्दे पर चर्चा के संकेत देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहस के लिए संसद से बड़ा कोई मंच नहीं हो सकता। विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार से विपक्ष की आवाज को भी महत्व देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जाहिर की। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वाद विवाद और संवाद संसद की आत्मा है और चर्चा के लिए संसद से बड़ा कोई मंच नहीं है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि देश संसद से जो अपेक्षाएं कर रहा है उसे सभी दलों के सांसद मिलकर पूरा करेंगे। वाद हो विवाद हो संवाद हो, यही संसद की आत्मा है। बाकी कामों के लिए तो पूरा देश का मैदान अवेलेबल है और मुझे खुशी हुई कि सभी दलों ने वाद विवाद और संवाद के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। असहिष्णुता पर छिड़ी बहस के बीच प्रधानमंत्री का ये बयान आया है। मौजूदा सत्र में विपक्षी दल के नेता असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। जो लोग इसके जवाबदेह हैं देश का वातावरण दूषित करने के लिए, उन लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री जवाबदेह सबका मानना है और डिबेट मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से हो जाए और इसको हम एक दूसरे के विचारों को कम से कम सदन में टॉलरेट कर लें। विरोधी दलों का मानना है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और इसके लिए सरकार को विपक्ष के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। जो अहम मुद्दे हैं उसको जरूर सुनना चाहिए, बाकी जहां तक रहा सवाल कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए, इस बात के लिए सभी सहमत हैं। देयर कैन बी डिसेंटिंग पोजीशंस वॉइसेस एंड द पार्टीज इन पावर द पीपल होल्डिंग पावर दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस। गुरुवार से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 20 बैठकें होनी हैं। मौजूदा सत्र के एजेंडे में 38 विधायी कामकाज शामिल हैं, जिसमें 7 नए विधेयक शामिल हैं। इनमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जुड़ा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक और रियल एस्टेट विनियामक बिल सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही 3 अध्यादेश की जगह लाए जाने वाले विधेयक भी शामिल हैं। रविंद्र श्योराण के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कांग्रेस सदन में महंगाई और असहिष्णुता का मुद्दा उठाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद को सुचारू रूप से चलाने में सरकार की मदद करेगी। उनसे बात की हमारे संवाददाता कृति मिश्रा ने। हमारे साथ हैं राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन श्री गुलाम नबी आजाद जी, वेलकम टू राज्यसभा टीवी। सर, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डिबेट और डिस्कशन के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट, किस तरह से देखती है कांग्रेस पार्टी स्टेटमेंट को? हमारी कुछ मांगे हैं और वो मांगे हमारी व्यक्तिगत मांगे नहीं है, देश के हित की मांगे हैं। यदि अगर उन पे चर्चा होगी तो हमें पूरा सदन चलाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पिछली बार हमने देखा जिस तरह से मॉनसून सेशन पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था, इस बार क्या फेट होने वाली विंटर सेशन की? नहीं, इस दफा तो सेशन बराबर चलेगा और जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि सेशन चले या न चले ये विपक्ष पर निर्भर नहीं है, ये तो सरकार पर निर्भर है। जीएसटी पर सबका ध्यान केंद्रित है, क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस का जीएसटी पर? हमारी अमेंडमेंट्स आप पूरी करो, गिव एंड टेक करो और हमें कोई आपत्ति नहीं होगी जीएसटी को पास करने में। कोई खास ऐसा मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी इस बार विंटर सेशन में उठाने वाली है? सब्जी की महंगाई, दालों की महंगाई, अंडे की महंगाई, अलग अलग समुदायों के बीच में जो तनाव पैदा हो गया है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के हित का मुद्दा है, उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वेक अप टू अ कंप्लीट राउंड अप ऑफ न्यूज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी, बिजनेस, स्पोर्ट्स,
keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. Hottest topics. If you can facilitate the opening up and the expansion of the international border trade, you can add to the economy. 370 dhara jo hai, wo Jammu Kashmir ko mulk ke saath jode rakhti hai. Candid confessions. The Congress has not been able to communicate. We have to revive our links with the masses. World class healthcare is available to only a handful of people in this country. Daunting controversies. A lot of leaders today think that they rule by divine right. Now media has become manageable. Watch RSTV Engage Personalities to the point. Every Wednesday, 10 p.m. Thursday 1:30 and 5:30 p.m. Tales that inspire, stories of social change. A salute to diversity, promoting public discourse. Events that motivate, inspiring the innovative spirit. Watch Rajya Sabha television documentaries every Friday at 10:30 p.m., Saturday 12:30 p.m., and Sunday at 1 p.m. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य में पार्टी विधायक दल के नेता सुनील जाखड़ ने भी त्यागपत्र सौंप दिया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जल्द ही पंजाब में कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी नेता अंबिका सोनी के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने बाजवा का खुला विरोध किया था। पंजाब में विधानसभा चुनाव साल 2017 में होने हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे काफी सीनियर लीडर हैं और भी हमारे सीनियर लीडर हैं, अंबिका सोनी जी हैं, बट्टल जी हैं, बहुत से सीनियर लीडर हैं हमारे पंजाब में। उनसे विचार विमर्श करके एक आध दिन में हम लोग और जो रिशफल होगा वो उसकी जानकारी आपको देंगे। बिहार में अब शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी। 1 अप्रैल 2016 से प्रदेश में शराब नहीं बेची जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल इस बात की घोषणा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले अपने बड़े वादों में से एक को पूरा करने का आज ऐलान किया। नीतीश ने 1 अप्रैल 2016 से बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू करने की घोषणा की है। शराबबंदी लागू कर और वो बंद हो गया। शराबबंदी भी लागू करना पड़ेगा और शराब के खिलाफ अभियान भी चलाते रहना पड़ेगा। ये दोनों के संयुक्त प्रयास से हम लक्ष्य प्राप्त। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि नीतीश के शासनकाल में ही शराब की दुकानों में इजाफा हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी विपक्ष होने के नाते पूरी तरीके से उनके इस कदम का, उनके इस प्रस्ताव का स्वागत करती है। नीतीश जी के शासनकाल में ही ये परंपरा शुरू हुई थी। हर नुक्कड़ हर चौराहे पर हम लोगों ने देखा था शराब की दुकानें खुलती आ रही हैं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह भी इस पर तंज कसने से पीछे नहीं रहे। नीतीश कुमार जी लालू जी से पूछ लिए हैं, पहले नीतीश कुमार जी ये बता दें, क्योंकि सरकार मुख्यमंत्री जरूर नीतीश कुमार जी हैं लेकिन सरकार तो लालू जी चला रहे हैं। बेहतर हो कि ये घोषणा लालू जी करें तब समझ में आएगी। चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने महिला मतदाताओं से कई बार अपना ये वादा दोहराया था। उन्होंने वादा किया था कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो बिहार को शराब मुक्त कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार को लेकर महाराष्ट्र को सरकार को निर्देश दिए हैं। कल अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर डांस बार को लाइसेंस देने पर निर्णय लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस पर नियम बनाने के लिए आजाद है। लाइसेंस मिलने में हो रही देरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार एक सम्मानित पेशा है। याचिका में कहा गया है कि डांस बार खोलने के लिए 60 अर्जियां महाराष्ट्र सरकार को दी गई हैं, जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।
कोर्ट ने कहा है कि दो हफ्ते के अंदर आपने उसके ऊपर सुनवाई करके, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो आपके डायरेक्शन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करो, जो आपको लाइसेंस इश्यू करने हैं, लाइसेंस होल्डर्स ने जो एप्लीकेशन किया है कि हमें फिर से री लाइसेंस दिया जाए उसके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि दो हफ्ते में आप उसका जो सबमिशन है वो कोर्ट में करिए। महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। नए सिरे से कानून लाने की आवश्यकता होगी तो वो भी लाया जाएगा, और हम ये प्रयास करेंगे कि एक ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान हो, वहीं दूसरी ओर जिस डांस बार को पूरे महाराष्ट्र ने नकारा है और महाराष्ट्र के दोनों सभागृहों ने जिसको एक मत से कानून तैयार करके बंद किया है वो शुरू न हो, ये मूलतः हमारा मत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर लगी पाबंदी हटा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रतिबंध से जीवन यापन के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। रविंद्र सिंह शौरण, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। ओपी शर्मा पर आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। हालांकि आम आदमी पार्टी ओपी शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी है। उधर बीजेपी के विधायक इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। दो दिन पहले विधानसभा में रैन बसेरा पर चर्चा के दौरान अलका लांबा और ओपी शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए ओपी शर्मा को दो दिन के लिए निलंबित कर दिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थी। गुरुवार को सत्र की शुरुआत होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और ओपी शर्मा को निलंबित करने की मांग की। विधायकों की मांग पर स्पीकर ने उन्हें शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 4 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। मुझे लगता है इनको अपनी नींद से जगाना जरूरी है, और वो नींद से जगेंगे तब जब एक फैसला ले लिया जाएगा कि उन्हें जेल भेजा जा रहा है और उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है इस विधानसभा से। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, जैसी इनकी मानसिकता है उसी प्रकार के अर्थ निकालकर ये लोग बवाल मचाकर लोगों का ध्यान मुद्दों से हटाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति से जुड़े नागरिकों के अधिकार संशोधन विधेयक को कल विधानसभा की मंजूरी मिल गई। इस कानून से सरकारी सेवाओं की आपूर्ति में देरी के मामलों में अधिकारी के वेतन में कटौती होगी। इस बिल के नोटिफिकेशन के बाद 30 दिन के भीतर हर विभाग को अपने दफ्तर में सिटीजन चार्टर घोषित करना होगा। 60 दिनों में हर काम को पूरा करने की बाध्यता होगी। निगरानी के लिए हर विभाग में एक सक्षम अधिकारी तैनात किया जाएगा। सक्षम अधिकारी अगर 3 महीने में पेनाल्टी वसूल नहीं कर पाते हैं तो सरकार उसी से पेनाल्टी वसूल करेगी। और इतना ही नहीं, गलत तरीके से किसी भी फाइल के रिजेक्शन पर भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होगा। इस बिल में दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के नाम से संबोधित किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आतंकी संगठन आईएस देश में कहीं पर भी एक अकेले आतंकवादी का इस्तेमाल करके हमला कर सकते हैं। उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में कल कहा कि इसे रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। रिजिजू ने कहा कि साल 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद सरकार सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में सफल रही है। कश्मीर में आईएस के झंडे लहराए जाने की घटनाओं को उन्होंने छिटपुट घटना करार दिया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि आईएस का दुष्प्रचार करने वाले कुछ वेब पोर्टल सरकार की निगरानी में है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये वेब पोर्टल के सर्वर भारत में नहीं है। करीब 2 हफ्ते के बाद चेन्नई में कल स्कूल कॉलेज खुले। हालांकि अभी भी चेन्नई के कई इलाकों में पानी भरा है। चेन्नई पहुंची केंद्रीय टीम ने मुख्यमंत्री जयललिता से मुलाकात करके हालात का जायजा लिया। जयललिता ने केंद्रीय टीम से गंभीरता से नुकसान का आंकलन करने की अपील करते हुए जल्द ही रिपोर्ट देने की मांग की है। करीब 2 हफ्ते के बाद स्कूल कॉलेज खुलने से चेन्नई के छात्र काफी खुश नजर आ रहे थे। भारी बारिश और जल जमाव की वजह से इन स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा था। हालांकि अभी भी कई रिहायशी इलाकों में पानी भरे होने से छात्रों को स्कूल कॉलेज पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। टीचर्स பார்க்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி அதெல்லாம் அந்த கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு. வரதுக்கு கொஞ்சம் டிராஃபிக்கா இருக்கு. அவ்வளவுதான், மொத்தபடி நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கோம். இது பிரச்சனை இல்ல. After 10 days it feels great to come to college because we were very bored in college, without college actually. And it was a very boring holidays.
एंड नाउ इट फील्स ग्रेट टू कम बैक। इस बीच तमिलनाडु में नुकसान के आकलन के लिए केंद्र से उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय टीम पहुंच गई है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव टीवीएसएन प्रसाद की अगुवाई वाली 9 सदस्यीय टीम ने मुख्यमंत्री जयललिता के साथ राज्य के हालात पर चर्चा की। जयललिता ने केंद्रीय टीम से जल्द रिपोर्ट सौंपने की अपील की, जिससे पुनर्वास के लिए केंद्र से जल्द आर्थिक मदद मिल सके। अभी भी चेन्नई, कांचीपुरम समेत कई शहरों में लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लड़ाकू विमान मार गिराए जाने से नाराज रूस ने अब तुर्की पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। तुर्की ने मंगलवार को रूसी विमान गिरा दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि व्यापार, परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए जाएंगे और साझा निवेश की योजनाओं को भी बंद किया जाएगा। मेदवेदेव ने कहा कि रूस में तुर्की के आर्थिक हितों को सीमित करना या रोक लगाना और सामानों की सप्लाई रोकने जैसे कदम उठाए जाएंगे, जिसमें खाद्य सामग्री भी शामिल होगी। खबरों में इतना ही और चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन राज्यसभा में आज शुरू होगी संविधान को लेकर प्रतिबद्धता पर चर्चा। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे चर्चा की शुरुआत। जीएसटी पर प्रधानमंत्री सभी दलों से बातचीत को तैयार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सरकार को कोई दिक्कत नहीं, आम राय बनाने की कोशिश। संविधान के आदर्शों का नहीं हो रहा है पालन। संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान। राजनाथ सिंह ने उठाए सेक्युलर शब्द पर सवाल। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता का इस्तीफा। राज्य संगठन में जल्द फेरबदल। अध्यक्ष पद के लिए अमरिंदर सिंह और अंबिका सोनी सबसे आगे। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में नहीं बिकेगी शराब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूर्ण शराबबंदी का ऐलान। विपक्ष ने किया स्वागत।